हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग ट्विटर। तो दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज मैंने देखा बहुत सारे ऑप्शंस प्लेयर्स ने मेजर लॉस बुक किया हुआ है। कई लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया था कि मार्केट यहां से और गिरावट देने वाला है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। शुरुआत की गिरावट के बाद वापस से मार्केट बाउंस बैक कर गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा। ये जो आपको लास्ट कैंडल दिखाई दे रही है ना दोस्तों, यहां पर इस लास्ट कैंडल को आप देखिए, प्राइस ने आज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज में मूव किया हुआ है। और ऐसा हुआ क्यों? प्राइस स्टार्ट हुआ अराउंड 18050 के आसपास और क्लोजिंग जो उसकी है वो अराउंड 18200 के आसपास की है। तो 200 पॉइंट की रेंज मूवमेंट ऑप्शन प्लेयर के लिए बहुत ही डेंजरस है, लेकिन आप इसको एंटिसिपेट कर सकते थे। तो इसको एंटिसिपेट करने के लिए इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप देखिए, कई दिनों से प्राइस यहाँ पर एक रेंज में मूव कर रहा था, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं था। हम इसको कह सकते हैं प्राइस यहाँ पर करेक्टिव के ही फॉर्म में था, बट इट वॉज अ बिग करेक्टिव विच वी हैव सीन इन पास्ट फ्यू वीक्स। प्राइस उस रेंज से बाहर आता है। प्राइस रेंज से बाहर आने के बाद फिर उसमें प्राइस में एक स्मॉल सा करेक्शन देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इन करेक्टिव कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप करेक्टिव कैंडल्स को रिलेटिवली स्विंग कैंडल्स से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा करेक्टिव कैंडल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, आप देखेंगे इन करेक्टिव कैंडल्स के नीचे विक है, इसका मतलब कंप्लीटली बेरिशनेस कभी भी डेवलप नहीं हुआ भाई। बुल्स हमेशा प्रेशर क्रिएट करते रहे, तभी तो ये विक फॉर्मेशन हुआ है। और हमें यहाँ एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि हम यहाँ पर सेकेंड स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमें सेकेंड स्विंग मिली। अब सेकेंड टाइम हमें इस स्विंग के बाद करेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इन कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखना है। इस बार की कैंडल और पिछली बार के कैंडल में बहुत फर्क है। ये कैंडल्स बड़ी हैं, इनके नीचे रिलेटिवली स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टू कैंडल्स हैं वहाँ हमें बहुत मेजर वीक नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये कैंडल्स बड़ी हैं, इसका मतलब बियरिश प्रेशर है यहाँ पर। लेकिन बियरिश प्रेशर का मतलब ये नहीं है ना कि सीधा का सीधा प्राइस यहाँ से एकदम से नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। चांसेस क्या है? चांसेस है प्राइस यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखा सकता है, जो कि हमने पिछले हिस्ट्री में देखा हुआ है, या प्राइस यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद हमें नहीं पता, उसके बाद हमें प्राइस को एक रेंज में टैली करते रहना पड़ेगा। अगर रेंज अपसाइड ब्रेक होती है तो हमारा सिनेरियो बुलिश बनना चाहिए, और रेंज अगर डाउनसाइड कंटिन्यू करती है तो हमारा सिनेरियो यहाँ पर बेरिश बनना चाहिए। मार्केट में एक ट्रेडर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक और एंगल यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर देखेंगे तो जो हमको पहली स्विंग दिखाई दी थी उसका जो करेक्शन था, तो वो दोस्तों 40% भी करेक्शन हमको नहीं मिला था। फर्स्ट करेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम एंटिसिपेट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से वापस से सेकंड स्विंग देगा। और सेकंड स्विंग मिलने के बाद जो ये वाला करेक्शन है, यहाँ पर करेक्शन ऑलमोस्ट 50% है, मतलब पहले करेक्शन से ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पर बियरिश प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या एक बार में ये ओवर कवरी भी कर जाएगा क्या? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत अलर्ट रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। मेरी नज़र में अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे एक रेंज दिखाई देती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे रेंज दिखाई दे रही है, और इस रेंज को मैं अपना बेंचमार्क बनाने वाला हूँ। और ये रेंज है आज की जो कैंडल है उसकी विक का लोअर साइड, और इसके पहले की जो प्रीवियस कैंडल है उसका अपर साइड। तो अपर साइड है दैट इज ऑफ अराउंड 18300 और लोअर साइड है 18050। तो इन दोनों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। मेरी नज़र में प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा सकता है कुछ समय के लिए, और वो ऑप्शन प्लेयर के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर यहाँ पर आप खेलिए। ट्रेड लेने के पहले आपका इन चार्ट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और ये आपको जब आप ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में उतरते हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी इन्वेस्टिंग।